हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार्प एक्शन। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में बताऊंगा कि किन लोगों को ये कार लेनी चाहिए और किन लोगों को ये कार अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो टाटा पंच 2024 में लेने का, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों को, जिन लोगों को ये कार लेनी चाहिए या जिन लोगों को ये कार कंसिडर करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप लोगों की ड्राइविंग हैबिट ऐसी है या आप इस तरह के ड्राइवर हो जो अपनी कार को ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करते, आप एक सर्टेन स्पीड लिमिट तक कार ड्राइव करते हो, लाइट फुट कार चलाते हो, तो उन लोगों के लिए कार परफेक्ट हो सकती है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये कार हाई स्पीड में, इसका इंजन आपको थोड़ा अंडर पावर फील होगा, बट जो लोग एक सर्टेन स्पीड लिमिट तक ही कार ड्राइव करते हैं, ज्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करते, उनको अपनी कार से ज्यादा पिकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उन लोगों के लिए कार एक परफेक्ट कार हो सकती है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट भी ऐसी है कार से, तो आप डेफिनेटली इस कार की तरफ जा सकते हो। सो गाइस, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आप चाहते हो एक कंफर्टेबल राइड अपनी कार से, तो डेफिनेटली आप इस कार की तरफ जा सकते हो। बिकॉज इस कार में आपको वो कंफर्ट मिलता है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। कार की रियर सीट्स, फ्रंट सीट्स दोनों ही बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी कुशनिंग की गई है सीट्स में, एंड सपोर्ट्स भी, साइड सपोर्ट्स भी काफी अच्छा मिलता है सीट्स में। इसके अलावा थाई सपोर्ट्स काफी अच्छा दिया गया है सीट में। हाँ, हो सकता है जो लोग 6 फीट या 6 फीट प्लस, उन लोगों को थोड़ा हैंडरूम कम मिले रियर सीट्स में, अदरवाइज बाकी चीजें, टाई सपोर्ट, कुशनिंग वगैरह कार में बहुत अच्छी है। रिक्लाइन एंगल की बात करूं, तो कार में रिक्लाइन एंगल भी काफी अच्छा दिया हुआ है, तो काफी कंफर्टेबल राइड आपको इस कार में मिलती है, सीट्स काफी कंफर्टेबल है कार की। अभी बात करूं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन भी बहुत अच्छे ट्यून किए गए हैं इस कार में, ना ज्यादा स्टिफ सस्पेंशन है, ना ज्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन है, काफी कंफर्टेबल राइड आपको मिलती है। सस्पेंशन बहुत ही प्यारे हैं इस कार में, एंड कितनी भी कैसी भी रोड कंडीशंस हो, आपको जो राइड मिलेगी, जो कंफर्ट से आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा, काफी अच्छा कंफर्ट आपको ये कार ऑफर करती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आपकी जो ड्राइव है वो हाईवेज में ज्यादा है, आप हाईवेज में ज्यादा चलते हो, तो उस केस में तो मैं रिकमेंड करता हूँ इस कार को, आपको डेफिनेटली इस कार की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज हाईवे ड्राइविंग के लिए ये कार बहुत परफेक्ट है। इस रेंज में जितनी भी कार्स आती हैं, उसमें हाईवे अगर प्रॉस्पेक्ट से देखा जाए, तो ये कार सबसे बढ़िया है, परफॉर्म करती है हाईवे में। इस कार की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, हाई स्पीड में भी आपको ये कार काफी स्टेबल दिखाई देगी, कार की हैंडलिंग काफी अच्छी है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कार का काफी अच्छा है, एंड एक बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये कार आती है। उसके बावजूद आपको अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलती है, बट उसके बावजूद आपको बॉडी रोल इस कार में बहुत कम देखने को मिलेगा। आप 100 स्पीड में भी आपको बॉडी रोल काफी कम मिलता है इस कार में देखने को, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड हाईवे के लिए तो ये कार काफी ज्यादा रिकमेंड करूंगा मैं इस कार को, बिकॉज हाईवे में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। एंड हाईवे में प्लस एक और पॉइंट आता है, जिन लोगों को माइलेज का कंसर्न रहता है इस कार को के साथ, वो हाईवे में वो कंप्लेंट बिल्कुल दूर हो जाती है। हाईवे में ये कार बहुत अच्छा आपको माइलेज निकाल के देती है, बिकॉज पर्सनली इस कार को हमने टेस्ट किया है, एंड ये कार हमें टैंक टू टैंक की अगर मैं बात करूँ, तो 23 KMPL की माइलेज से हमें टैंक टू टैंक दी थी। तो हाईवे में अगर आप इसको एक सर्टेन लिमिट तक चलाते हो, 80 तक आप इसको ड्राइव करते हो, सडन RPM 2000 RPM के आसपास को चलाते हो, तो ये आपको हाईवे में 24 प्लस की माइलेज भी निकाल के दे सकती है। तो हाईवे माइलेज इस कार की बहुत बढ़िया है गाइस, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको हाईवे में ही चलना है ज्यादा, तो उस केस में तो आप डेफिनेटली इस कार की तरफ जाइए। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आप एक ऐसी कार चाहते हो जिसमें आपको पूरी सेफ्टी प्रोवाइड हो, जिसमें आप सेफ फील कर सको, आप आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ होकर चल सको, तो उस केस में भी आपको इस कार की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज बिल्ड क्वालिटी वाइज तो ये कार पहले से बहुत स्ट्रांग थी, अब इसके जो न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, इनमें आपको 6 बैग ऑफर किए जा रहे हैं, 6 एयरबैग भी आपको ऑफर किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पहले से और ज़्यादा बढ़ गई है। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि टाटा पंच वन ऑफ द सेफेस्ट कार है इंडिया में जो आ रही है, एंड इस प्राइस रेंज में तो इससे सेफ कार आपको और कोई देखने को नहीं मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं जो 6 एयरबैग का एडिशन हुआ है, उसके साथ ये जो सेफ्टी है वो और ज्यादा बढ़ गई है इस कार पे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट में सेफ्टी एक प्रायोरिटी लिस्ट में आपके सबसे आगे है, तो उस केस में आप डेफिनेटली इस कार की तरफ जाइए। तो बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए अपनी कार से, तो उस केस में भी काफी हद तक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करती है, बिकॉज इस कार में आपको 189 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि आपकी काफी हेल्प करती है खराब रास्तों पर। अगर आपकी सिटी में या जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उस केस में इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपकी काफी हेल्प करने वाली है। अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ इस कार में आपको विजिबिलिटी भी काफी अच्छी ऑफर की जाती है।
तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक ऐसी कार की है जिसमें विजिबिलिटी अच्छी मिले, आपको ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिले, तो भी आप इस कार की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। बात करते हैं अब उन लोगों की जिन लोगों को ये कार अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करूं, अगर आपको चाहिए एक रिफाइंड इंजन अपनी कार में, आप चाहते हो कि आपकी कार में एनवीएस लेवल बिल्कुल ना हो, आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसमें वाइब्रेशन नॉइज वगैरह ना आए, तो उस केस में भी आप इस कार को अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज इस कार का इंजन उतना ज़्यादा रिफाइंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, फर्स्ट टाइम बाहर हो, तो हो सकता है आपको वो चीज़ फील ना हो, बिकॉज ये 3 सिलेंडर इंजन के साथ आते हैं गाइस, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवल्ट्रॉन इंजन उसमें आपको मिलता है। तो एंड कहीं ना कहीं वो जो एनवीएच वाला इशू है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है कार में, पहले से काफ़ी कम हुआ है। अगर आप फर्स्ट बार हो तो आपको शायद वो फील ना हो, बट अगर इससे पहले आपने कोई 4 सिलेंडर कार चलाई हो, या इससे पहले अगर आप कोई मारुति स्कॉडा या होंडा होंडाई की ब्रांड ओन करते हो, तो आपको हो सकता है वो रिफाइनमेंट वाला इशू पता चले, बट अगर आप फर्स्ट टाइम बाहर हो तो शायद आपको वो इशू पता नहीं चलेगा। तो रिफाइनमेंट एक इशू है इंजन के साथ, इंजन इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, तो ये एक पॉइंट है। और अगर आप चाहते हो एक बिल्कुल रिफाइंड इंजन अपनी कार में, तो भी आप इस कार को अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर आप चाहते हो एक ऐसी कार जिसमें फिट एंड फिनिश के मामले में कोई भी इशू ना हो, आप एक प्रॉपर आप एक ऐसे यूज़र हो कि आपको अपनी कार बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, कोई फिट एंड फिनिश का इशू नहीं चाहिए, तो उस केस में आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, बिकॉज इस कार में फिट एंड फिनिश इशू है, आपको पैनल ग्राफिक्स दिखाई देगी कई जगह एंड, बट इसका मतलब ये मत लगाइएगा कि जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो लो क्वालिटी का है। इनफैक्ट मटेरियल जो यूज़ किया गया है, जो प्लास्टिक क्वालिटी इंटीरियर में यूज़ की गई है, वो काफ़ी अच्छी है एंड कई जगह तो मुझे ये इस सेगमेंट की बाकी कार से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। बट वही चीज़ बात करें जब फिट एंड फिनिश में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये कार लैग करती है उसमें, आपको पैनल गैप्स कई जगह देखने को मिलेंगे कार में, फिट एंड फिनिश का इशू है कार में और अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप चाहते हो एक आप एक ऐसे बायर हो कि आपको फिट एंड फिनिश से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो उस केस में भी आप इस कार को अवॉइड कर सकते हो। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आप एक ऐसे बायर हो और आपको चाहिए कि मुझे आफ्टर सेल सर्विस इस कार की बहुत अच्छी मिले, तो उस केस में भी टाटा अभी लैग कर रहा है। इनफैक्ट टाटा ने कुछ चीज़ें इम्प्रूव करी हैं अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज में, बट फिर भी आपको वो आफ्टर सेल सर्विसेज वाला इशू टाटा पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सिटीज़ में भी मैं आपको कई सर्विस सेंटर्स ऐसे दिखाऊंगा कि जहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत क्रंच हो रहा है उनके पास प्रॉपर स्पेस नहीं है। जिस हिसाब से टाटा कार सेल करता जा रहा है मंथ वाइज, उस हिसाब से सर्विस सेंटर्स के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ गया है, उनके पास स्पेस नहीं है इतना, एंड वो चीज़ें आपको इनके सर्विस सेंटर्स में दिखाई देंगी। तो अगर आप चाहते हो एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज, तो उसमें भी आपको इस कार को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो प्रॉपर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज टा में अभी नहीं मिल रही है। बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सारे सर्विस सेंटर्स की हालात ऐसी है, कुछ सर्विस सेंटर्स आपको अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा आपके लिए कि आप अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर्स में जाके देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है वहाँ पे एंड किस तरह से कस्टमर फेस कर रहे हैं, कोई चैलेंजेस फेस तो नहीं कर रहा सर्विसेज में। और अगर आपके आसपास के सर्विस सेंटर्स में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो उस केस में आप टाटा ले सकते हैं। बट ये जो सर्विसेज वाला इशू है, ये अभी एग्जिस्ट कर रहा है टाटा के साथ, तो आफ्टर सेल सर्विसेज में टाटा काम कर रही है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको इम्प्रूव होने में। तो ये एक पॉइंट है, अगर अभी आप चाहते हो ऐसी कार जिसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आफ्टर सेल सर्विसेज में, तो उस केस में तो आप अभी फिलहाल के लिए इसको अवॉइड कर सकते हो। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आपकी जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ रनिंग है वो सिटी में है एंड आप एक ऐसी कार चाहते हो जो आपको माइलेज अच्छे निकाल के दे, तो उस केस में भी आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, बिकॉज सिटी में स्पेशली अगर आपकी सिटी में ट्रैफिक कंडीशन काफ़ी हाई है, तो इस कार में आपको वो एक्सपेक्टेड माइलेज शायद आपको ना मिले, बिकॉज कहीं ना कहीं इसका माइलेज सडन ड्रॉप करता है हाई ट्रैफिक कंडीशंस में। बट मैं ये बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, वो सिर्फ इस कार के साथ नहीं है, और ब्रांड्स की कार में भी अगर आप देखोगे हाई ट्रैफिक कंडीशन में माइलेज सडन ड्रॉप होती है एंड इस कार में भी अब आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी सिटी में ट्रैफिक कंडीशन हाई है और आपकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि आपको एक माइलेज ओरिएंटेड कार चाहिए, तो उस केस में भी टाटा पंच आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। बट यहाँ पे एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये बात शायद कोई क्लियर नहीं करता, अगर आपकी रनिंग जो ना सिटी और हाईवेज दोनों में है, तो उस केस में ये ओवरऑल जो माइलेज निकाल के देती है ना, वो आपको बहुत अच्छा देती है। तो अगर आप ऐसे लोग हो जो उसको सिटी में भी चलना होता है, हाईवे में भी चलना होता है, तो आप ज़रूर इस कार को रिकमेंड कर सकते हो, बिकॉज ओवरऑल जो माइलेज आपको कार से मिलेगी ना, वो बहुत अच्छी मिलेगी, बिकॉज ये कार हाईवे में आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ये बहुत ही अच्छा माइलेज निकाल के देती है आपको।
बट वही जब बात आ जाती है हाई ट्रैफिक कंडीशंस में, उसमें आपको इसमें की माइलेज में सडन ड्रॉप देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये एक माइलेज वाला इशू है। अगर आपको चाहिए कि आप सिटी में ही ज़्यादा ड्राइव करते हो और आपको चाहिए कि एक अच्छी माइलेज, तो उस केस में भी आप इस कार को अवॉइड कर सकते हो। तो गाइस यही कुछ पॉइंट है, हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है, एंड आई होप आप लोगों की हेल्प कर सकी होगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। देखो यार, मेरा पॉइंट सिंपल यही है कि मैं आपको जो जेन्युइन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता सकूँ, जो कार में मैंने ऑब्जर्व किया है, जो चीज़ें किसी के बेसिस पे, किसी के बोलने के बेसिस पे या किसी से सुन के मैं आपको चीज़ें नहीं बता रहा, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है इस कार में वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। एंड अगर आपको ये चीज़ें लग रही है और आपको लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ मिस करी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हो इस कार में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है अगर नई वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।